गाइस, मैं हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आप अपना वेट बहुत ही जल्द कम करना चाहते हैं बट एक्सरसाइज करके बोर हो चुके हैं? तो आज मैं आपको 30 मिनट्स की कार्डियो वर्कआउट बताने वाली हूँ। इस कार्डियो वर्कआउट को करने से आपका वेट बहुत ही जल्द कम होने लगेगा, साथ के साथ आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड मेंटेन रहेगी। आपको मेरे इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है, वन डे भी मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड मेंटेन रहे तो आपको मेरे इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम इस वीडियो के फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों लेग्स को हमें अप डाउन करना है। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जंपिंग जैक्स करने हैं। इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों लेग्स को जॉइन करना है, देन फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को ओपन करना है। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड लेके जाना है, देन डाउन सेम लेफ्ट साइड करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन हमें अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है। अपने दोनों हैंड्स को हमें हेड पे होल्ड करके रखना है। अपसाइड आके हमें अपने राइट हैंड के एल्बो से लेफ्ट लेग की नी को टच करना है, सेम सेकेंड साइड करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को फ्रंट साइड स्ट्रेट करके रखना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के पीछे से क्रॉस करके दोनों लेग्स की नी को बेंड करना है, सेम सेकंड साइड करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने राइट लेग को बैक साइड लेके जाना है, दोनों लेग्स की नी को बेंड करना है, देन फ्रंट साइड हमें अप साइड उठाना है, राइट साइड हमें 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम हमें अपने लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट साइड भी हमें 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है,
देन अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करके दोनों लेग्स को ओपन करके डाउन साइड जाना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को ज्वाइन करके स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट अपने राइट लेग को ओपन करना है, सेम लेफ्ट को करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों हैंड्स को स्विच करके दोनों लेग को हमें ज्वाइन करना है, देन अपने दोनों लेग को हमें ओपन करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके देन अपने दोनों लेग को हमें स्ट्रेट करके फर्स्ट अपने राइट लेग के नेक को बेंड करके इनसाइड लेके आना है, सेम लेफ्ट को करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों हैंड्स को हमें अपने हिप्स के नीचे होल्ड करके रखना है, अपने दोनों लेग्स को हमें अपसाइड उठाना है। इसको 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके रखना है, अपने दोनों हैंड्स को हमें अपने हेड पे होल्ड करके अपनी अपर बॉडी को अपसाइड उठाना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स के फुट को ज्वाइन करना है, देन अपने दोनों थाइस को हमें ओपन करना है, अपनी अपर बॉडी को हमें अपसाइड उठाना है। इसको भी 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके रखना है, दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करना है। फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को फ्रंट साइड ओपन करना है, राइट साइड में 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट साइड भी हम 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग्स को हमें स्ट्रेट करना है। फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग के नीचे को बेंड करके इनसाइड लेके आना है, देन राइट, अगेन लेफ्ट, देन राइट को होल्ड करना है।
देन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके फ्लोर पर रखना है। देन अपने दोनों लेग्स को हमें स्ट्रेट करके रखना है। हमें अपनी बॉडी को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगेन सेम 30 सेकंड तक करना है। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अपसाइड उठा के क्रॉस करना है। देन अपने दोनों हैंड्स को ओपन करके हमें पुशअप्स करने हैं। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके दोनों लेग को हमें स्ट्रेट करना है। बस अपनी बॉडी को हमें फ्रंट साइड लेके जाना है। देन अपने राइट हैंड से हमें लेफ्ट लेग को टच करना है। सेम सेकंड साइड करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने। एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।